नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। बॉबी देओल ने साल 1995 में फिल्म बरसात से बॉलीवुड डेब्यू किया था। फिल्म में बॉबी को सिर्फ रोमांटिक ही नहीं बल्कि एक्शन हीरो के तौर पर भी पेश किया गया था। कई फाइट सीक्वेंस के साथ साथ वे फिल्म में हॉर्स राइडिंग करते और टाइगर से लड़ते भी दिखे थे। एक इंटरव्यू में बॉबी ने फिल्म के उस सीक्वेंस पर बात की जिसमें वो टाइगर से लड़ते नजर आते हैं। बॉबी ने बताया कि मेकर्स ने सीन को इटली में साइबेरियन टाइगर के साथ शूट किया था। बॉबी ने कहा, हमने सीन को इटली में शूट किया था। हमें पता चला था कि वहाँ कोई प्राइवेट जू है जहाँ ट्रेंड साइबेरियन टाइगर्स हैं। हमने उन्हीं में से एक ट्रेंड टाइगर के साथ यह सीन शूट किया। शूटिंग से पहले ट्रेनर ने टाइगर के नाखून काट दिए थे पर उसका मुंह नहीं सिला गया था। ऐसे में सीन को शूट करना काफ़ी खतरनाक था। बॉबी ने आगे बताया, सीन के दौरान हैंडलर्स मेरी गर्दन पर मीट का एक टुकड़ा रख देते थे ताकि टाइगर मुझ पर जंप करे। इसके बाद मुझे टाइगर को सिर्फ अपने हाथों से रोकना होता था। उसके पंजे बहुत भारी होते थे और उस पर जब वो थक जाता था तो अपने पंजे मेरे कंधों पर रखकर मुझे नीचे खींचता था। इंटरव्यू में बॉबी ने हंसते हुए कहा, अगर कुत्ता भी किसी को काट लेता है तो इंसान को दर्द होता है और सीन में टाइगर के साथ फाइट कर रहा था। उसका मुंह बिल्कुल मेरी गर्दन के पास होता था पर उस वक्त मैं सिर्फ शॉट के बारे में ही सोचता था। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।